नमस्कार, आप देख रहे न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। देश में इन दिनों चुनावी मौसम चल रहा है। अब तक चार चरणों के दौरान कई प्रदेशों में मतदान हो चुका है, अभी आगे भी कई राज्यों में चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में 20 मई को होने वाले मतदान से पहले राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। वोटर्स को लामबंद करने के लिए राजनीतिक दलों के नेता अलग अलग राज्य का दौरा कर रहे हैं। विरोधियों के खिलाफ बयानबाजी चल रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली लोकसभा से बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। मैं इस सभा में पधारे नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के हमारे सभी देवतुल्य भाई बहनों का देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के नाते मैं आप सबका अपनी ओर से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और मैं दिल्ली में पिछले कई दिनों से प्रचार में हूं और अनेक स्थानों पर मुझे जाने का अवसर मिला है। मैं एक बात कह सकता हूं कि दिल्ली वालों की दिल्ली की इस ऊर्जा और उत्साह को देखकर कि वास्तव में दिल्ली का दिल एक बार फिर आदरणीय मोदी जी के साथ है, उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है और 25 तारीख का इंतजार कर रहा है। भाइयों बहनों, ये क्षेत्र जो पूर्वी दिल्ली का क्षेत्र है, ये लगातार भारतीय जनता पार्टी और हमारी विचारधारा को पोषित करता रहा है। इसी क्षेत्र से श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारतीय जनता के उग्र के पटकथा के लेखक भारत रत्न आडवाणी जी भी दो बार यहाँ से सांसद रहे हैं। स्वर्गीय बलोज माधव जी, जगमोहन जी जैसे अनेक नेताओं की भूमि रही है और यहाँ से 11 बार भारतीय जनता पार्टी और हमारी विचारधारा के समर्थक लोगों को लगातार संसद में भेजती रही है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में पहुंच रहे तीर्थ यात्रियों की बंपर भीड़ के चलते यात्रा के स्लॉट फुल हो गए हैं, जिसके बाद पर्यटन विभाग की ओर से हरिद्वार में रजिस्ट्रेशन काउंटर बंद कर दिए गए। रजिस्ट्रेशन बंद होने से यहां पर रजिस्ट्रेशन काउंटर्स पर सन्नाटा पसरा है। दूसरे राज्य से पहुंच रहे श्रद्धालुओं को परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। इस बार चारधाम यात्रा के लिए अब तक 25 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। तीर्थयात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए यह फैसला लिया गया। दूसरे राज्य से पहुंच रहे चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालु हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में रजिस्ट्रेशन काउंटर्स पर पहुंच रहे हैं, तो उम्मीदों को बड़ा धक्का लगा। ऐसे में दूर दराज से आए यात्रियों की समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो जाएं तो जाएं कहां। कुछ यात्री पिछले 3 दिनों से रजिस्ट्रेशन की आस में भटक रहे हैं, तो कुछ होटल और धर्मशाला में रहकर इंतजार कर रहे हैं। वर्तमान में स्लॉट 8 तारीख तक की स्लॉट 6 तारीख तक खुल है और आगे की मिल रही, इसलिए यात्रियों को परेशानी न हो, इसलिए जो है ये किया गया है। और सभी से अनुरोध किया जा रहा है कि आप अगर स्लॉट जिस तारीख को अगर आपको मिलता है। हरियाणा हिसार से आए हैं हम लोग, हम 15 को आए थे, 15 को ये लोग बोले भी 17 को आना, आज भी नहीं हो रहा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, परेशानी हो रही है, लड़का है साथ में। 3 दिन के बंद हो गया, ये बोल रहे थे ये आज बुक करने थे, जून 10 में आपकी स्लॉट मिल जाएगा के बोल रहे हैं वो अभी लोग। हम दूर तक बहुत दूर से आए, ये हम एक महीने में तो वेट करने नहीं करना बात पे। उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार केदारनाथ धाम की सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान उनके द्वारा ड्यूटी पर नियुक्त पुलिस बल को श्रद्धालुओं के साथ सौम्य व्यवहार करने के निर्देश दिए गए। केदारनाथ धाम परिसर में 50 मीटर की दूरी पर वीडियोग्राफी और सोशल मीडिया रील्स बनाने वालों पर सख्ती करने के निर्देश दिए हैं, ताकि मंदिर दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोपरि है और ऐसे में इस बात का अवश्य ध्यान रखा जाए कि किसी भी पॉइंट पर अनावश्यक भीड़ ना हो। डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि आज केदारनाथ धाम के कपाट खुले हुए 10 दिन हो गए हैं और इस मौके पर यात्रा व्यवस्थाओं को देखने के लिए मैं स्वयं आया था। इस बार अभी तक जो भीड़ आई है, प्रतिदिन 30,000 से भी अधिक श्रद्धालु दर्शन करके जा रहे थे। केदारनाथ धाम में नियुक्त पुलिस बल के साथ संवाद स्थापित कर उनकी ब्रीफिंग कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
चार धाम यात्रा का केदारनाथ धाम के कपाट खुले हुए 10वां दिन है 2024 की चार धाम यात्रा का। और इस अवसर पर मैं स्वयं आज सुबह आया था यहाँ की व्यवस्थाओं को देखने, और इस बार अप्रत्याशित अभी तक भीड़ आई है श्रद्धालुओं की और डेली लगभग। तो डीजीपी अभिनव कुमार खुद ही तैयारियों का जायजा लेने के लिए केदारनाथ धाम पहुंचे थे। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोपरि है और इसीलिए मैं स्वयं यहां पर आकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहा हूं, ऐसा डीजीपी अभिनव कुमार की ओर से कहा गया। दरअसल केदारनाथ में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, ऐसे में किसी भी यात्री को किसी भी श्रद्धालु को कोई समस्या ना हो इसके लिए डीजीपी अभिनव कुमार खुद ही मौके पर पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। क्योंकि देखिए बाबा केदार के प्रति जो आस्था है श्रद्धालुओं की, उसके तहत ही देखा जा रहा है कि भारी संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं दर्शन करने के लिए। इसी के साथ लगभग 50 मीटर के दायरे में किसी भी श्रद्धालु को कोई समस्या ना हो, रील्स बनाने वालों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है, सख्ती बरती जा रही है उनके प्रति भी, ताकि जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो श्रद्धा भाव से पूजा कर सके। संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय देखिए जिस तरह से बाबा केदार के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंच रहे हैं, डीजीपी अभिनव कुमार भी स्वयं मौके पर पहुंचे, व्यवस्थाओं का हाल जाना। हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में 10 मई से चारधाम यात्रा शुरू हो गई थी और चारधाम यात्रा को सकुशल संपन्न कराना उत्तराखंड सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। हालांकि समय समय पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार ही अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, और अगर आज की बात की जाए तो आज खुद पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार केदारनाथ धाम पहुंचे हैं और वहां पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। हालांकि इतना ही नहीं, जो अधिकारी हैं तमाम अधिकारियों को कहा है कि जो तीर्थयात्री आएंगे श्रद्धालु आएंगे उनके साथ सौम्य व्यवहार रखे, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि जो धार्मिक भावना है उनके साथ भी यहाँ पर खिलवाड़ किया जा रहा था। इसी को देखते हुए 50 मीटर के दायरे में मोबाइल को बिल्कुल प्रतिबंध कर दिया है और जो लोग रील बनाएंगे उन पर भी एक सख्ती से कार्रवाई करने की यहाँ पर बात कही जा रही है। यानी कह सकते हैं कि चारधाम यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए तमाम जो पुलिस बल है अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ पर जुटे हुए हैं। एक चीज और समझना चाहेंगे संजय कि देखिए जिस तरह से भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और पहले तमाम व्यवस्थाओं का दावा किया गया था उत्तराखंड सरकार की ओर से कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद कर देना अचानक से ये उन श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी समस्या हो गई है जो कि वहां पर डायरेक्ट पहुंच रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में जिस तरह से तमाम जो यात्री है वो पहुंच रहे हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो भीड़ है वो आए दिन बढ़ती जा रही है। इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन है वो पूरी तरह बंद कर दिया, और पहले ही हमने देखा है कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है जून माह तक तो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल फ्लैट है, जो पूरे फुल हो गए हैं, जिसको देखते हुए अब ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी बंद कर दिए थे। व्यवस्थाएं जोगी तू रहे, व्यवस्थाएं अच्छी रहे, इसी को लेकर यहां पर ये फैसला लिया गया था, लेकिन जिस तरह से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद किए हैं उससे कहीं ना कहीं जो यात्री हैं वो परेशानियों का सामना कर रहे हैं। अगर हरिद्वार की बात की जाए तो यहाँ पर जो यात्री पहुँच रहे हैं वो काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि एक और जहाँ उत्तराखंड में भीषण गर्मी हो रही है, आसमान से आग बरस रही है, उसी के चलते जो यात्री है वो कई कई घंटों तक लंबी लाइनों में लगकर अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो रजिस्ट्रेशन है वो पूरी तरह बंद कर दिए थे, जिससे कहीं ना कहीं यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है कि श्रद्धालुओं को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है और यात्रा में 1 लाख के पार पहुंच चुका है ये आंकड़ा, हर रोज श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, भक्तों का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और इसी क्रम में चारधाम यात्रा के लिए 31 मई तक वीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी गई है। श्रद्धालु मंदिरों में अब वीडियो या फिर रील्स नहीं बना पाएंगे, इसके लिए सख्ती भी बढ़ती जा रही है। चारधाम यात्रा में अब तक 14 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है, 8 दिन में रिकॉर्ड 2,15,930 श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं, 10,070 श्रद्धालुओं ने हेली सेवा से दर्शन किए हैं, 47,806 श्रद्धालुओं ने घोड़े खच्चर से दर्शन किए, 1,428 श्रद्धालुओं ने डंडी के सहारे दर्शन किए हैं, 1,851 श्रद्धालुओं ने कंडी से दर्शन किए हैं, 1,54,000
775 श्रद्धालु अब तक पैदल पहुंच रहे हैं। तो देखिए आंकड़ा बताया गया है कि श्रद्धालु किस किस तरीके से दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक 14 श्रद्धालुओं की मौत भी हो चुकी है, जो कि एक बड़ा सवाल है प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर भी कि अगर व्यवस्थाएं जो हैं वो तरीके से की गई थी तो आखिर श्रद्धालुओं की मौत का ये आंकड़ा जो है महज 10 दिन में इतना कैसे बढ़ गया। संजय देखिए, चारधाम यात्रा को लेकर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की बात कही गई थी उत्तराखंड सरकार की ओर से, धामी सरकार की ओर से, लेकिन उसके बावजूद अभी तक अगर हम चारधाम यात्रा में बात कर ले, महज केदारनाथ में अब तक 14 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। अगर व्यवस्थाएं अच्छी थी धामी सरकार की तो 10 दिन में 14 मौत कैसे। लगातार ही राज्य सरकार की अगर बात की जाए तो तमाम व्यवस्थाओं को लेकर पहले ही दावा किया जा रहा था कि इस बार चारधाम यात्रियों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अभी तक 10 मई से जिस तरह से यात्रा शुरू हुई है, महज कुछ ही दिन यात्रा को हुए हैं, उसके बावजूद जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह डगमगा गई है। इतना ही नहीं, कई लोगों की मौत भी हो गई है। इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार पर भी सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि तमाम तरह के जो वादे किए गए थे वो सारे वादे ही जो दावे थे वो सारे धराशाही नजर आ रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार जो है वो तमाम प्रयास कर रही है कि ऐसा ढांचा तैयार किया जाए जिससे कहीं ना कहीं यात्रियों को दिक्कत ना हो, और खुद राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी समय समय पर अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। यही वजह है कि लगातार बीच बीच में जो रजिस्ट्रेशन है, ऑफलाइन पंजीकरण है, वो बंद कर दिए जा रहे हैं। ऐसे में हम अपने दर्शकों को भी यही कहेंगे कि नवंबर माह तक यात्रा चलनी है, ऐसे में कोई जल्दबाजी ना करें, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जान जोखिम में पड़ सकती है। अगर हरिद्वार की बात की जाए तो हरिद्वार में लाखों श्रद्धालु रोजाना पहुंच रहे हैं, जो यहीं से अपनी चारधाम यात्रा की शुरुआत करते हैं और यहीं से चारों धामों पर अपना यात्रा शुरू करते हैं। जी चलिए, शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। आदि कैलाश यात्रा में 34 सदस्य का प्रथम दल यात्रा कर चौकोड़ी पहुंचा, जहां पर पर्यटक आवास गृह में कुमाऊनी रीति रिवाज के साथ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के नन्हे बच्चों ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर यात्रा कर लौटे यात्रियों ने बताया कि आदि कैलाश और ओम पर्वत के शानदार दर्शन किए गए और KNBN के द्वारा जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहित भटनागर। हम तीनों लोग गाजियाबाद से आदि कैलाश दर्शन के लिए आए हैं और ये हमारा KMVN का पहला बैच है। हम KMVN के जिस भी गेस्ट हाउस में रुके हैं वहाँ का स्टाफ बहुत कर्टियस है और हमें बहुत अच्छी सुविधाएं यहाँ मिली। हम इस टूर से बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे से हमको ओम पर्वत और आदि कैलाश और बाकी स्थानों के दर्शन हुए हैं। हम सभी को ये रिकमेंड करेंगे कि आप लोग भी KMVN के द्वारा प्रायोजित टूर में हिस्सा लें और भगवान के दर्शन करें। इन दिनों उत्तर भारत प्रचंड गर्मी के प्रकोप में है। उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली जैसे राज्यों में तो गर्मी सता ही रही है, उत्तराखंड की राजधानी में भी लोगों का हाल बेहाल हो गया है। राजधानी का पारा बढ़ने से लोग परेशान होने लगे हैं। बीते गुरुवार को देहरादून के तापमान ने पिछले 7 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शुक्रवार को देहरादून का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शनिवार को दून का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के अनुसार देहरादून के अलावा हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी, चंपावत जैसे इलाकों में गर्म हवाएं चलने की आशंका है, जिससे लोगों को हीट स्ट्रोक का खतरा जो है वो पड़ सकता है। इसीलिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं। अगले 3 दिनों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। अनुज अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज देखिए, यहाँ मैदानी इलाकों में तो गर्मी ने हालत खराब कर ही दी थी, लेकिन अब पहाड़ी इलाकों में भी गर्मी का सितम जारी है। बिल्कुल चारुल, उत्तराखंड अगर देहरादून की अगर बात करें तो करीब 3 दिन से पारा 41 डिग्री, 42 डिग्री और 45 डिग्री के आसपास पारा दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए हीट वेव जारी कर रखा है कि अगले 3 दिन तक जो कोई लोग जिनको बहुत इमरजेंसी है वो
वो लोग अपने घरों से बाहर निकले, अन्यथा आप सभी लोग अपने घर पे रहे, क्योंकि 3 दिन के लिए पूरी तरीके से राजधानी देहरादून हो, हरिद्वार हो, उधम सिंह नगर हो, नैनीताल जैसी जगहों पे भी हीट वेव जारी है। क्योंकि इसका जो आकलन लगाया जा रहा है चारुल, ये इस वजह से कि अत्यधिक जो पेड़ काटे जा रहे हैं, इस वजह से जो मौसम में परिवर्तन देखा जा रहा है, क्योंकि अत्यधिक गर्मी भी हो रही है। आज से 10 साल पहले की अगर बात करें चारुल, तो राजधानी देहरादून में ठंडक का मौसम रहता था, गर्मियों के मौसम में ठंडक लगती थी, लेकिन आज की वो स्थिति है कि पारा 40 डिग्री 42 डिग्री पारा दिखाई दे रहा है। राजधानी देहरादून की अगर बात करें, हरिद्वार हर की पैड़ी की अगर बात करें, तो लोग गंगा नहाने हो या नदी किनारे लोग देखते नजर आ रहे हैं, जो लोग टूरिस्ट बाहर से आ रहे हैं वो भी नदी किनारे दिखते हुए नजर आ रहे हैं। राजधानी देहरादून की अगर बात करें, तो यहाँ दोपहर के समय बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है, लोग गाड़ियों का बहुत कम इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग बाहर बहुत कम निकल रहे हैं, जिसको बहुत जरूरत हो रही है वो बाहर निकला है, क्योंकि हीट स्ट्रोक सबसे ज्यादा है। अगर स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें, तो स्वास्थ्य विभाग ने भी एडवाइजरी जारी करी है कि आप लोग अगर कोई भी बाहर घर से बाहर निकलना है, तो पानी की बॉटल, ग्लूकोज या छाते का प्रयोग करें, गर्म जो कपड़े हैं, जो आपके कपड़े हैं वो पूरा लपेट करके ही बाहर निकले, क्योंकि 3 से 4 दिन अलर्ट पे है, हीट स्ट्रोक का अलर्ट जारी कर रखा है मौसम विभाग ने। साथ साथ अगर बात करें, चूंकि पहाड़ी जो क्षेत्र है वहां पे हाँ हालांकि थोड़ी सी बारिश जरूर देखने को मिली है, लेकिन फिलहाल दिन में जो मौसम है पहाड़ों का भी मौसम गर्म रहता है, मैदानी इलाके लगातार चाहे वो दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, वहां के लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं कि पहाड़ में हमें ठंड का एहसास होगा, लेकिन इस बार पहाड़ों में भी गर्मी का एहसास देखने को मिल रहा है, वहां पर भी हीट वेव दिख रही है। हालांकि शाम होते होते थोड़ा सा जो है हवा का रुख जिस तरीके से नॉर्मल हो जा रहा है, तो हल्का सा ठंडापन जरूर नजर आ रहा है, लेकिन दोपहर में भीषण गर्मी दिखाई जा रही है। जी चारू, आने वाले दिनों में भी क्या ये जो मौसम है वो इसी तरह से परेशान करने वाला है, या फिर मौसम विभाग की ओर से कुछ राहत दी गई है? कब तक ये गर्मी का प्रकोप झेलना होगा? बिल्कुल, ये करीब 25 से 28 मई तक मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 28 मई तक हीट वेव राजधानी देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, ये 3 जिले ऐसे बताए गए कि यहाँ पे हीट वेव काफी ज्यादा मात्रा में रहेगा, और लोग को घरों से निकलने की हिदायत दी है कि लोग घरों से कम निकले। अगर बात करें पहाड़ी जनपद की, बागेश्वर की, चंपावत की, चमोली की, रुद्रप्रयाग की, उत्तरकाशी की, ये जो पिथौरागढ़ के जो और जो जिले हैं, तमाम जो पहाड़ी जिले, वहां पे हालांकि थोड़ी सी राहत जरूर है, वहां पे 25 मई तक जरूर वहां पे अलर्ट किया हुआ कि 25 मई तक वहां पे दिन में गर्म रहेगा, हालांकि रात में अगर कहीं कुछ हल्की बारिश हो जाती है तो मौसम हल्का सा सुहावना जरूर हो जाएगा, लेकिन फिलहाल पूरे उत्तराखंड में इस समय हीट वेव चल रही है। सबसे ज्यादा अगर बात करें तो राजधानी देहरादून और हरिद्वार प्रभावित है। राजधानी देहरादून के अगर तापमान की अगर बात करें, आज रविवार है, आज के तापमान की अगर बात करें तो करीब 40 डिग्री तापमान यहाँ पे रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। साथ साथ अगर बात करें हरिद्वार जनपद की, तो 45 से 50 डिग्री का तापमान रिकॉर्ड किया गया, हालांकि 7 सालों का रिकॉर्ड इस बार टूटा है राजधानी देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में। जी चारू, चलिए शुक्रिया अनुज इस तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड हाईकोर्ट को ऋषिकेश में शिफ्ट किए जाने को लेकर अधिवक्ताओं में भारी उत्साह है। उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने मुख्य सचिव से भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इस मसले पर हरिद्वार देहात के अधिवक्ताओं ने कहा कि सस्ता सुलभ न्याय मिलेगा, क्योंकि हाईकोर्ट में तकरीबन 70% गढ़वाल क्षेत्र है और सिर्फ 30% कुमाऊं क्षेत्र। इसके पक्ष में अधिवक्ताओं और आमजन की ओर से हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। वैसे तो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो ये ऋषिकेश में बेंच की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है, बहुत ही सुंदर प्रस्ताव है, इससे आम जन को सरल, सुलभ और सस्ता न्याय तो प्राप्त होगा ही, और आने जाने में जो असुविधा होती है, ठहरने में जो असुविधा होती है और जितना खर्च होता है, उससे भी इससे मुक्ति मिलेगी। और इसके समर्थन में हम एक हस्ताक्षर अभियान भी चला रहे हैं और उसको बहुत जल्दी हम इसको परिपूर्ण करने में जा रहे हैं सर। वैसे तो माननीय उच्च न्यायालय, हमारे संविधान का एक सिद्धांत है सस्ता और सुलभ न्याय। सस्ता और सुलभ न्याय तभी मिलेगा जब अदालतें नज़दीक होंगी और लिटिगेंट की अदालतों तक पहुँच होंगी। ऋषिकेश में जो
माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदया के द्वारा। वैसे तो जो उत्तराखंड हाई कोर्ट है वो उत्तराखंड के एक पूर्वी कोने पर बना है, जहाँ उसका कोई विधिक औचित्य नहीं बैठता, क्योंकि अधिकतर कार्य देहरादून और हरिद्वार जिले का ही पूरे उत्तराखंड में वादकारी हैं जितने भी हैं, तो इस लिहाज से ये जहाँ ऋषिकेश में भूमि चिन्हित करने का प्रस्ताव गया है वो सबसे उचित रहेगा और सभी अधिवक्ता इससे सहमत हैं, मैं तो खुद है ही हूँ वैसे तो। और इसी के साथ देवभूमि से जुड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों को जानने के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।